एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कारगिल विजय दिवस के शहीदों को देविका नगरी में किया गया याद। कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को पूर्व सैनिक परिषद और एक सर्विसमैन कल्याणकारी संगठन की तरफ से संयुक्त रूप से पुलिस स्टेशन के नजदीक श्रद्धांजलि स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लेकर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डीसी डॉक्टर पीओ सिंगल मुख्य मेहमान थे। लंगरों में अमरनाथ यात्रियों को नहीं मिल रही पानी व शौचालय की सुविधा। जखेनी में लगाए गए लंगर में पानी व शौचालय की सुविधा न मिलने से परेशान अमरनाथ यात्रियों ने शुक्रवार दोपहर को जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। यात्रियों ने बताया कि लंगर में भोजन तो मिल रहा है लेकिन पीने का पानी नहीं है। वहीं लंगर चला रहे शिव सेवा संस्था के संचालक डॉक्टर एस के गुप्ता ने बताया कि पीएचई ने पानी की सप्लाई देना बंद कर दिया। दीवार तोड़कर हजारों की नकदी और सामान ले उड़े चोर। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर क्रिमची इलाके में रविवार देर रात को चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान की दीवार को तोड़कर हजारों की नकदी व सामान पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकानदार को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।